साथियों, एक बार पुनः स्वागत है न्यूट्रिशन लैब सर्कल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिससे जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो पूरा जिंदगी भर उसको सहन करना पड़ता है, या शुद्ध भाषा में कहें तो भुगतना पड़ता है। वो रोग होता है सोराइसिस, चर्म रोग। इस चर्म रोग को ये इतना हटीला होता है कि इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट यदि इसको मन लगा करके किया जाए तो इसमें 100% सफलता मिलने की संभावना है। आइए बात करते हैं कि सोराइसिस को किस प्रकार से हम दूर करें। इसका सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है उसको हमने आयुर्वेद से लिया है, त्रिफला चूर्ण, सभी जानते हैं। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बैड़ा तीनों तत्व होते हैं, और ये त्रिफला चूर्ण, आंवला, बैड़ा और हरड़, इसका जो है ये 3:2:1 का अनुपात वाला जो है हमको त्रिफला लेना है। एक चम्मच त्रिफला रात का पानी में, एक गिलास पानी में गला दीजिए कांच के, और उसको चम्मच से पूरा अच्छा होमोजेनस सॉल्यूशन बना के रख दीजिए। सुबह उठिए, उस पानी को आपके जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके जो सबसे बड़े वाले जार है जिसमें हम जूस निकालते हैं, जूसर कहते हैं, उसमें डाल करके उसको 20 सेकंड के लिए फिर से एक बार घुमा दीजिए, और फिर उसको छान लीजिए कपड़े से। जो चूर्ण होगा उसको फेंक दीजिए, और जो पानी होगा उसको आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करिए। बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट है। त्रिफला में ऐसा गुण है कि वो जो रेडिएशन से होने वाले स्किन डिसीज़ हैं उसको भी दूर करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सोराइसिस को बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से दूर करेगा। थोड़ा पेशेंस रख करके इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 6 माह आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा, इसी के साथ में इसका संलग्न करते हुए, जो अंदर से आपके बीमारियों को मिटाएगा और जो स्किन को ठीक करता है वो होता है अरुगुला। अरुगुला की पत्तियाँ, उसका जूस निकालिए, सब्ज़ी है एक प्रकार की, फॉरेन की हमारे यहाँ नहीं मिलती है, उसके बीजे आप अमेजन से मंगा सकते हैं, और उनका आप उगा करके और उनकी पत्तियों को गमले में उगा करके और उससे हम काम कर सकते हैं। तो अरुगुला की पत्तियाँ, उसका 20 ml जूस निकालिए, और बाकी 100-150 ml जूस एप्पल का निकालिए। ताज़ा दोनों का जूस निकालना है, और दोनों को 2 टाइम सुबह और शाम जब आपका पेट खाली हो उस समय में सेवन करना है, ताकि उसके जो कंटेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो ठीक से हमारे शरीर में काम कर सकें। तो ये 2 ओरल ट्रीटमेंट आ गए। इसके साथ ही 2 चीज़ें और आपको बताऊंगा। एक है एप्लीकेशन, यानी कि स्किन पर अप्लाई करने के लिए। तो स्किन पर अप्लाई करने के लिए आप पुदीना लीजिए, और पुदीना का रस निकालिए, और पुदीना के रस में 1 या 2 बूंद नीम के तेल की मिलाइए, और उसको मालिश करिए। मालिश यानी कि उसको अप्लाई करना, लगाना है बस हल्के हाथों से, मालिश मतलब मसाज नहीं करना है। इसके बाद जो है वो है हमारा अलसी, बहुत ही प्रभावी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और वो स्किन को बहुत प्रभावित करता है। तो 1 चम्मच पाउडर हमको बना के रखना है अलसी का, और फ्लैक्सीड का, और फ्लैक्सीड का पाउडर जो है वो बाहर रखने से ख़राब हो जाता है, उसको फ्रिज में रखिए और 2-3 दिन के लिए बनाइए, ताकि वो उसमें उसके ऑयल की स्मेल ना आए और आपको खाने में अरुचि ना लगे। दिन में एक बार कभी भी 1 चम्मच 5 ग्राम पाउडर आपको लेना है, गुनगुने जल से पी लेना है। ये आप सलाद में भी डाल के खा सकते हैं, सब्ज़ी में भी डाल के खा सकते हैं, चटनी में बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं, जिस भी प्रकार से हमको 5 ग्राम फ्लैक्सीड पाउडर हमको सेवन करना है। और अगला स्टेप है कि रोजाना सोते समय अपने नाभि में 2 बूंद तेल नीम का डालना है। बस आपका ये प्रभावी ट्रीटमेंट है, आप इसको करके देखिए, और आप इस चमत्कार को खुद अनुभव करेंगे कि आप 6 माह से लगा करके 1 वर्ष की अवधि के बीच में पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत ही प्रभावी है, टेस्टेड है और आजमाया हुआ है, इसलिए आप इसको करके देखें और अपना बीमारी को दूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में स्वास्थ्य की जानकारी के साथ, आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।